कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश भर में अपना आतंक फैला के रखा है। देश के कई सारे राज्यों में स्थिति बिगड़ रही है और लोग बेड और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे, कोविड-19 महामारी से निपटने की नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीति भी अब विफल साबित होती दिखाई दे रही है, जिसकी कई हलकों में जोरदार आलोचना भी हो रही है। दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में भी भारत के प्रधानमंत्री की तीखी आलोचना हुई है। जर्नल के संपादकीय में नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए लिखा गया कि उनका ध्यान ट्विटर पर अपनी आलोचना दबाने पर अधिक और कोविड-19 महामारी पर काबू पाने में कम था। हालांकि विदेशों में नहीं बल्कि देश में कई सारे बड़े हस्तियों ने भी नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना की है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि आज से कुछ महीने पहले लगातार नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए रैलियां कर रहे थे और उसके बाद में यह महामारी इतना ज्यादा बढ़ गई, इसका गुस्सा भी साफ तौर पर लोगों के प्रति देखने को मिल रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी की आलोचना बॉलीवुड के कुछ कलाकार भी कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है कमाल राशिद खान यानी KRK। KRK ने भी अब नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुनाते हुए एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में KRK कह रहे हैं कि जब हमारे पास वक्त था तब हमने इस महामारी से निपटने की रणनीति नहीं बनाई। वो बोले, जब मार्च में मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था तब वो एक पब्लिसिटी स्टंट था, ड्रामा था। उस वक्त लॉकडाउन की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। उसके बाद मोदी जी ने थालियां बजवाई, दिए जलवाए, हवन करवाए, वो सब भी पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि उससे तो कोरोना भागने वाला नहीं था। KRK ने आगे कहा कि मैंने उसी वक्त कहा था कि ये ड्रामा काम नहीं आएगा, आने वाले समय में देश में महामारी जरूर आएगी और उस वक्त मोदी जी को पछताना पड़ेगा। आज चारों तरफ हाहाकार मचा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिल रही है, सड़क पर मर रहे हैं लोग, हॉस्पिटल के गेट पर अपनी कार में कोई अपनी सीढ़ियों पर बैठे बैठे मर रहा है। आगे KRK ने अपने इस वीडियो में कहा कि सरकार और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों इस महामारी से निपटने में नाकामयाब रही हैं। KRK ने नरेंद्र मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत में कह दिया है कि लोग अपना ख्याल खुद रखें, हॉस्पिटल खुद ढूंढें, बेड ऑक्सीजन दवाइयों का खुद इंतजाम करें। तो इस तरह KRK ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन किया है। वीडियो में जो बातें उन्होंने लिखी है उसकी कई सारे लोग आलोचना कर रहे हैं तो कई सारे लोग अपना सहमति भी जता रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां अब कोरोना की दूसरी लहर में फेल होती दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ भुखमरी के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ना हॉस्पिटल में बेड है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही अब लोगों के पास काम बसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे यह प्रकोप अगर ज्यादा बढ़ गया तो पूरे देश भर में लॉकडाउन लगना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा भारत में भी अब पूर्ण लॉकडाउन लगाने की कई हलकों में मांग भी उठ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन के कोई भी संकेत नहीं दिख रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि इस स्थिति से निकल लिया जाए। भारतीय चिकित्सा संघ यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्र सरकार से पूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी, लेकिन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र के विद्वानों की सलाह को सिरे से खारिज कर दिया है और प्रस्ताव को कूड़ेदान में डाल दिया है। तो ऐसे में दोस्तों, KRK जो बॉलीवुड के एक विवादित क्रिटिक्स हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अपना तंज कसा है उसकी कई लोग तारीफें भी कर रहे हैं। अब आप KRK के इस बात से संतुष्ट हैं या फिर नहीं, साथ ही KRK के इस बयान को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।